हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संदीप अंतिल ट्यूलिप हॉस्पिटल में एज ए न्यूरोसाइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर मानसिक बीमारियाँ होती क्या हैं और कौन इनका इलाज करता है। मानसिक बीमारियाँ तब भी आपको कभी लगे, उदासी लगे, डर लगे, शक लगे, वहम लगे, या आपके परिवार में कोई ज़्यादा कोई नशा करने लग जाए, या जैसे 5 साल से बड़े बच्चों में दिक्कतें आने लग जाए, किसी भी प्रकार की अगर आपके व्यवहार में दिक्कत आने लग जाती है, उसके कारण आपके घर वाले और आप दोनों को परेशानी शुरू हो जाती है, उस दौरान आपको मानसिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और मानसिक बीमारियों के इलाज में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिलहाल सोनीपत में देखा गया है कि यहाँ पर डॉक्टर झोला छाप डॉक्टरों या क्वैक्स के पास जाते हैं इलाज के लिए। ऐसा ना करके अगर आप अपना पैसा, समय और अपना अच्छा इलाज चाहते हैं जिससे आपके मतलब शरीर को नुकसान ना पहुंचे, उसके रिगार्डिंग आपको न्यूरोसाइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट का इलाज लेना चाहिए। और इन बीमारी के अलावा भी किसी में अगर कोई सेक्स समस्या होती है और कोई और भी परेशानी होती है, उनके लिए भी आप मानसिक डॉक्टर से मिल सकते हैं। कई बार हमें देखा गया कि फालिश के बाद या टीबी या शुगर बीपी की बीमारी के बाद, कोई लंबी बीमारी के बाद भी इंसान का व्यवहार बदल जाता है, उन सब में भी मानसिक डॉक्टर का रोल रहता है। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपको कोई मानसिक बीमारी या उसका इलाज करवाना चाहिए, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ट्यूलिप अस्पताल में मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू।